Have you ever wondered about all the waste our food generates? Not just after your meal at home, but also from your local cafes, restaurants, grocery, and meat stores. This waste is inevitable. From farm to table, most of this waste ends up contaminating our rivers and landfills. Which makes us question, is there an opportunity somewhere in this inevitability?85% लोग इंडिया में और वर्ल्ड में 65% लोग चिकन है जो फूड खाते हैं, तो इसका वेस्ट कितना होता है और वेस्ट का करते क्या है। दिल्ली NCR और UP इन दो स्टेट्स को मिलाते हैं तो 3,00,000 करोड़ टन कचरा पानी में जाता है। और ये एक ऐसा कचरा है, आपको बताऊँ, पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन पानी के ऊपर होता है, पर ये एक ऐसा कचरा है जो पानी में मिल जाता है। हम लोगों का ये सबसे बड़ा गोल ये था कि इस कचरे को जो पानी में जा रहा है उससे पहले हम लोग इसको यूज़ करें और इसको चूने लायक बनाएं। After 7 years of research, Mudita and Radesh found an ingenious way to make products such as scarves, bags and paper out of chicken feather. हम लोग रैक पिकर्स को ट्रेन करके लोकल बूचरी शॉप से हम लोग चिकन फेदर उठाते हैं। इन फेदर्स को हम 27 सैनिटाइजेशन प्रोसेस से क्लीन करते हैं, फिर इसको हम सेग्रीगेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे। इसके बाद हम वेट स्पिनिंग यूज करते हैं और इसकी धागा बनाने के लिए, फिर इस धागे से कोन बाइंडिंग के लिए भेजा जाता है और लूम में वीविंग करने के लिए यूज में लाया जाता है। चिकन फेदर की जो प्रॉपर्टीज और यूनिकनेस है, ये काफ़ी लाइट वेटेड है, हम इसको मलाई वूल बोलते हैं। इसका GSM कंपेयर टू अदर एग्जिस्टिंग नेचुरल फाइबर उससे बहुत कम है, 111 GSM है। इसकी स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसे प्रोसेस से लेके लूम तक लाने में 7 दिन लगते हैं, वूल को और कॉटन को लाने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत कॉस्ट इसकी लो है, तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव है कॉटन और वूल दोनों का। हमारा 65 ग्राम का मफलर, सिर्फ 65 ग्राम का मफलर 9 kg कार्बन फुटप्रिंट कम करता है। इस मटेरियल में तो अभी हम लोगों ने जस्ट अभी काम शुरू ही किया है, इसकी तो बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी है, बहुत अलग ही तरीके से इसकी सीमाएं बहुत हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी सच इनोवेशंस वी एट विलग्रो टेक प्राइड इन नर्चरिंग। द वर्ल्ड नीड्स मोर इनोवेशंस दैट आर सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड अटेंड टू प्रेसिंग कम्युनिटी नीड्स। एंड द फ्यूचर ऑफ सोशल इनोवेशन starts with inventing right, inventing for impact.